हिंदुस्तान न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, रेवाड़ी जिला के विधानसभा क्षेत्र बावल, अध्यापक की गाड़ी में मिड डे मील की गेह की बोरियां देख बिफरे ग्रामीण। मामला पुलिस दरबार पहुंचा, मामला दर्ज। बावल क्षेत्र के गांव नागल तेजू के ग्रामीणों में उस समय गुस्सा फूट पड़ा जब यहां स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक की गाड़ी में मिड डे मील की गेहूं की दो बोरियां देखी। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया और पुलिस को सूचित किया। जानकारी के अनुसार गांव के शिव मंदिर में सरमपत सुरेंद्र, गुप्ताराम सिंह, भीम सिंह, सुरेश चौहान, देवेंद्र, होमपाल, संजय सैनी, रजनीश शर्मा भंडारे की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंच उक्त स्कूल के अध्यापक सूरजभान की गाड़ी में उन्होंने गेहूं की दो बोरियां देखी। जब उन्होंने इस बारे में अध्यापक से पूछा तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिससे ग्रामीणों में रोष फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया। उन्होंने अध्यापक पर कानूनी कार्यवाही की मांग की थी। बावल के गांव नंगल तेजू में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक की कार में पकड़े गए मिड डे मील के गेहूं की बोरियों को लेकर बावल के उप पुलिस अधीक्षक राजेश चेची ने कहा, अध्यापक द्वारा मिड डे मील का जो गेहूं ले जाया जा रहा था उस संबंध में सूचना मिली थी, जिसके बाद स्टोरेज चेक की गई तो उसमें भी खामियां पाई गई, जिसको लेकर IPC की धारा 402 में मामला दर्ज किया गया है और अध्यापक से पूछताछ जारी है। आगे की कार्यवाही के बाद जो कुछ निकलेगा वो आपको बता दिया जाए। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। आज दोपहर में लगभग 3:30 बजे के आसपास नांगल तेजू गांव के कुछ ग्रामीणों ने बावल पुलिस को संपर्क किया और उनको सूचना दी कि एक उनके मिडिल स्कूल के जो हेड हैं नांगल तेजू स्कूल के, वो जो मिड डे मील के जो गेहूं के दो कट्टे हैं ना, वो उठा के ले जा रहे हैं, वो उन्होंने पकड़ लिए हैं। तो इस पे पुलिस मौके पे गई है और जो स्कूल में जो मिड डे मील का जो स्टॉक था वो चेक किया गया, तो उसमें वास्तव में एम्बेजलमेंट पाई गई, जिस पे ये अभी 409 IPC में FIR दर्ज की गई है और मास्टर जी से पूछताछ अभी जारी है। वो अपनी पर्सनल स्विफ्ट कार थी, उसमें वो कट्टे थे जो बरामद हो गए, तो आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें जो भी कार्रवाई होगी आगे की जा रही है जी। वैसे FIR दर्ज कर ली गई है।